ये वीडियो शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर राजस्थान के गंगानगर में कुछ शरारती तत्वों ने एक मस्जिद पर भगवा झंडा फहराया। ऐसे ही दावे के साथ ये वीडियो कई यूजर्स ने शेयर किया। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि सोशल मीडिया पर शेयर किया गया दावा सरासर गलत है। वायरल ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए गंगानगर पुलिस ने बताया कि ये झंडा किसी मस्जिद पर नहीं बल्कि एक घर पर फहराया गया था और दो लोगों को फर्जी जानकारी शेयर करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आगे इस पूरे मामले के संदर्भ में ऑल्ट न्यूज ने गंगानगर के SP देशमुख पारिस से बात की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर गंगानगर के बिजवाइला में एक मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने का दावा गलत है। असल में कुछ लोगों ने एक घर पर झंडा लगाया था जो कि मदरसे की बाजू में ही था और बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए झूठा दावा चलाया कि उन्होंने मस्जिद पर झंडा फहराया है। SP ने कहा कि इस मामले में दो लोगों को भ्रामक मैसेज के साथ वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं ये दोनों व्यक्ति हिंदू समुदाय से है। पुलिस द्वारा शेयर की गई FIR कॉपी से हमें मालूम हुआ कि बिजबाइला में ताराचंद्र के मकान पर झंडा लगाया गया था जो कि एक मस्जिद के पास ही था। वहीं झूठे दावे के साथ वीडियो वायरल करने के लिए पुलिस ने अंकित और मनीष नाम के दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। मनीष ने इस घटना के बारे में माफी मांगते हुए ये कहा, तो भूलवश गलती से दूसरे ग्रुपों में शेयर हो गया, वैसे उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, पर उस वीडियो से मैसेज गलत चला गया जो कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। फिर भी मैं माफी चाहता हूँ कि सभी से, अगर किसी के दिल में कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ करना, और वो जो वीडियो है कृपया उसको जिसके पास भी जाए उसे डिलीट कर दें। मैंने अपनी तरफ से सभी ग्रुप से भी चाहता हूँ उसको डिलीट कर दिया गया है। एक बार मैं पुनः माफी चाहता हूँ सभी से कि जो हुआ वो भूलवश हुआ था, अनायास हुआ, इसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ। वहीं सोशल मीडिया पर इस घटना का ये दूसरा वीडियो भी शेयर किया गया जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये झंडा मस्जिद या मदरसे की बाजू में मौजूद इमारत पर लगाया गया था। तो जैसा कि आपने देखा, राजस्थान में कुछ लोगों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने के दावे से एक वीडियो शेयर किया जबकि असल में ये झंडा एक घर पर लगाया गया था।